हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं और मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया है, भगवान जी को जय कर लिया है। एक बार भगवान जी के दर्शन कर लो ना सुबह सुबह तो फिर अच्छा लगता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, मन भी अच्छा फील होता है। और फिर किचन में आ गई, किचन को एक बार गीले कपड़े से फिर से पोंछ दे रही हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। तो रात में तो हम किचन साफ करके सोते ही हैं, लेकिन फिर से एक बार सुबह गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और ये विहान के टिफिन है जो कि मैंने रात को धो दिया था, अब वो सूख गया है तो उसको ढक्कन लगा करके बंद कर दे रही हूँ। और गाइस, ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये 15 अगस्त का है और मैंने रात में बादाम भिगोया था हस्बैंड जी के लिए, मेथी, और अपने लिए धनिया पानी। तो अब मैं धनिया पानी को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, मतलब कि गुनगुना, फिर उसमें मैं आधा नींबू और शहद मिला करके पीती हूँ। रात में मैं एक गिलास पानी में थोड़ा सा धनिया, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़े से मेथी डाल करके भिगो देती हूँ। सुबह इसको पीने से ना खाली पेट बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अब मैं भिगो रही हूँ यहाँ पर चावल और उड़द की दाल, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा। तो ये इंस्टेंट डोसा है, इसको रात में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आधे घंटे पहले भी भिगो करके तुरंत बना सकते हैं। तो आगे मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, व्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने आलू भी चढ़ा दिया है गैस पर बॉयल होने के लिए। अब मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी बाहर बालकनी में नहीं निकलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा रहता है इसीलिए। और अब देखिए बिल्कुल उजाला हो गया है, तो थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेती हूँ, इससे ना बहुत ही अच्छा फील होता है, बिल्कुल बॉडी फ्रेश हो जाती है और पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं। तो मैं बाहर तो नहीं जा पाती हूँ वॉकिंग करने, बालकनी में ही वॉकिंग या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ 10-15 मिनट या 20 मिनट। और मैं यहाँ पर गमले हटा हटा करके झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने गमले हटा करके झाड़ू नहीं लगाई थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और आज विहान को स्कूल भी जाना है फ्लैग होइस्टिंग के लिए 7:30 बजे, तो वैसे तो वो जल्दी आ जाएगा, बस झंडा फहरा करके वो आ जाएगा, और कुछ प्रोग्राम भी है उसके स्कूल में, तो वही 2 घंटे का उसका स्कूल है आज। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बालकनी में झाड़ू लगा दे रही हूँ गमले हटा हटा करके, आजकल बारिश भी कभी भी हो जाती है ना, तो फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, ये पत्तियां हैं सूखी सूखी जो कि पानी में भीग करके गीली हो गई हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी भी है गमले की। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई, तो हस्बैंड जी रात में प्याज आलू लहसुन ये सब लेकर के आए थे, तो रात में ना लेट हो गया था, तो मैं आप लोगों को बताया ना कि मैं रात में जल्दी सो गई थी, तो ये सब मैंने फिर नहीं रखा, तो वही मैं रख रही हूँ अभी। रात में कभी कभी होता है, रात में हम 9 बजे के बाद तो मेरा फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं कोई काम करूँ, बिल्कुल सुबह से लगातार काम करते रहो ना तो फिर बॉडी बिल्कुल थक जाती है, इसीलिए दिन में आधे घंटे रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से ना सही रहता है, फिर हमें शाम में या रात में ज़्यादा थकान नहीं होती है। लेकिन छोटे बच्चे हैं ना तो वो रेस्ट करने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ काम लगाए ही रहते हैं। तो मैंने आलू प्याज सब रख दिया है, अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ जल्दी से।
और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर विहान को तैयार कर रही हूँ। उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया है और पूर्वी भी उठ गई है। पूर्वी को भी सब करवाना है, कॉम करवाना है, पाउडर लगाना है। तो आज विहान को ये सैफरन कलर का टी शर्ट और वाइट पैंट पहनकर जाना है। और ये ड्रम स्टिक है, इसी से बच्चों को कुछ प्रोग्राम में बच्चे करेंगे। फिर मैं बैंड लगाना भूल गई थी, तो फिर दोबारा विहान आया, नीचे चला गया था, तो फिर जल्दी से उसको हाथ में बैंड पहनाया। और मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ, सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। फिर मैंने तुलसी मैया को जल दिया। तो पूजा करने के बाद ना फिर मैं किचन में आकर के अपने लिए चाय बना रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं डोसा बनाऊंगी। तो देखिए मैंने मूंगफली की चटनी अपनी तैयार कर ली है, अब मैं उसमें तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी राई ले ली है, एक सूखा लाल मिर्चा लिया है और थोड़े से कढ़ी पत्ता ले लिया है। तो मूंगफली की चटनी में मैंने एक हरा मिर्चा डाला था और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। तो ये देखिए मेरी चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। स्टफिंग भी मैंने तैयार कर ली है, आलू के मसाले, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ा सा जल्दी भी था, विहान जो है स्कूल से आ गया था और अभी टाइम ना 9 बज रहा है, तो उसको भूख भी लगी थी, इसीलिए फटाफट से मैं बना रही थी उसके लिए। स्कूल वो कॉर्नफ्लेक्स दूध खा करके गया था। तो चाय मेरी अब तैयार हो गई है, अब मैं जा रही हूँ डोसा बनाने। तो मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो ये कास्ट आयरन का तवा है, इस पर ना डोसा बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और जो उड़द की दाल थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था और 2 चम्मच रिफाइंड डाल दिया था, तो इससे ना बहुत ही अच्छे से डोसा बन जाता है। फिर चावल दाल मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा सोडा डाल दिया था और नमक डाल दिया था, तो इससे ना बिल्कुल इंस्टेंट डोसा बन जाएगा। आपको एक दिन पहले भिगोने की और रात में उसको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंट डोसा बन जाता है ये देखिए, और बहुत ही खाने में भी यम्मी लगता है। और ये है मूंगफली की चटनी। मैंने सांभर नहीं बनाया था, सोच तो रही थी सांभर बनाने को, लेकिन फिर और लेट हो जाता, सुबह थोड़ा जल्दी भी रहता है, तो अभी मैं ऐसे ही दे रही हूँ, फिर किसी दिन सांभर भी बना लूंगी। वैसे चटनी से तो अच्छा लगता है, सांभर की उतनी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए बिल्कुल फटाफट से डोसे जो है निकल रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए डोसा और चटनी खाने, मसाला डोसा और मूंगफली की चटनी।
तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को इस उम्मीद से एंड करूंगी कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज है मेरा बर्थडे, तो आप लोग चाहें तो मुझे विश भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।